तो अभी हम लोग कोहिमा जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब अभी हम लोग दिमापुर में हैं यहाँ से। तो हम लोग पहुंच के डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे चले गए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो हमने वहाँ पे ऑर्डर किया था मोमोज, चाउमीन और पराठे, जो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और ये ब्लॉगिंग कर रही है। ये पता नहीं क्यों हंस रही है। जी पैकिंग न करे दो खाना खानी देरी हो बहुत तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे सुंदर दिख रहा है, जाने के बाद दिखाती हूँ मैं। अच्छा लग रहा है इधर। सिले हो मरना सिले नारे। यहाँ पे कुछ सेमिनार हो रहा है जहाँ पे नागालैंड का सारा यूट्यूबर्स आज इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ आ चुके हैं ऑलरेडी, जो आप देख पा रहे हैं इधर में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर में, पता वॉर सेमेट्री वहाँ पे घूमने। तो वाओ मर गए तो ला। वाओ कितना सुंदर है। वाओ
ऊपर जाके देखती हूँ क्या है। So beautiful. उधर देखिए, कब्रिस्तान, चर्च, वो चर्च है, इतना बड़ा जो दिख रहा है। कब्रिस्तान भी ऐसा हो तो कोई मरना क्यों ना चाहे। कोहिमा हाँ, वाव फ्लावर्स, यहाँ पे सारे डिटेल्स है, यहाँ पे 939 पे सोने लग गया धूप में। पीछे का व्यू तो देखो, ओह माय गॉड इतना सुंदर है, इतना सुंदर। और ये है हमारे घर की फुल कुमारी। सुंदर है सीरियसली। मरे वो तो तुलो अकेले अकेले फोटो खींच रहे हैं लोग, मेरे को तो खींचते भी नहीं। हाँ पर तू सीखे ना लो, मगर तू ही तंग लग जाए यार, यंग लोग तायन को को मिखा है यंग में तू, मगर तो ही करी मैं तो लगा हो रही हूँ, मगर तेरी जोर तू सीखे ना। लड़कियों कुछ बोलो। हाय
मुझे बस इतना ही आता है। अभी यहाँ से जाएंगे। देखना जी। इतना सुंदर लग रहा है। पुलिस वाला बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छे से बात किया है पुलिस। सेमिनार हो रहा है ना यहाँ पे, सारे ब्लॉगर्स हैं। हम लोग फिर से होटल पे आ गए। ये है वो होटल, खाना भी अच्छा है। हे भगवान, क्या तोड़ के लाई, देखो ये तोड़ के लेके आ गई। चोर चोरनी चोरनी। यहाँ पे देखिए कितना रूल्स मान के चलते हैं। एक को दूसरा कार ओवरटेक करके नहीं जा रहा है, सब अपने लाइन पे ही चल रहे हैं। और अगर इंडिया का दूसरे सिटी में होता तो आपको पता ही है क्या हालत होता है ट्रैफिक का। यहाँ पे देखिए कैसा, डिसिप्लिन है बहुत। वाह, ये जगह कितना सुंदर है। तो वहाँ से निकल के हम लोग डायरेक्ट चर्च पे आ गए। खारी पर जो चर है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था और बहुत इरिटेशन फील हो रहा था। तो ये चर्च का पीछे का साइड है, क्योंकि हम लोग को बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था कि सामने से किधर से जाते हैं। तो गूगल में हम लोग को जिधर से शो कर रहा था, हम लोग उधर से ही आ गए। तो ये पीछे का साइड है। चार चांद दो या नौ
इधर भी जोर दे। ये चर्च का व्यू, ये चर्च का पीछे है। इतना थक गई मैं, आवाज नहीं निकल रहा मेरे। वाव, जैसे नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना दो लोग थे। चर्च का सामने किधर से जाता है? कोहिमा में देखने के लिए वैसे तो जगह बहुत सारे हैं, पर हम लोग उस दिन संडे को गए थे तो हम लोग ज़्यादा जगह पे हम लोग घूम नहीं पाए, सिर्फ दो ही जगह पे गए थे। होप सो नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे फिर से दोबारा, फिर सब कुछ घूम के आ जाएंगे। घर वगैरह देखो इतना लगा 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 लगा। रेनोवेशन चल रहा है चर्च का, चर्च का सामने में जाके देख के आते हैं। ये चर्च अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, रेनोवेशन कर रहे हैं। हम लोग सब बेड लकी हो गया, हम लोग संडे को आके सब कुछ बंद है इधर में। और इधर से ये व्यू, वाओ वाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारे वीडियो में बस वाव वाव वही कर रही थी, क्योंकि वो जगह ही ऐसा था, इतना सुंदर था ना, वाव ही निकल रहा था मेरे मुंह से और कुछ नहीं।
चर्च का अंदर का। So beautiful. अभी गिर जाती वहां सीढ़ी में, मैंने पैर रख के भी गिर जाती। वाओ चूहे। Going back to our car. हमें को गर्म है, मुड़ी चल। साना यो तो जान बाइक ऐसा फोटो लास है ना, दूर नहीं थे के है ना। तो वहां से डायरेक्ट हम लोग दिमापुर आ गए थे मेरे भाभी के घर पे। उनके इतने सारे डॉग्स थे, इतना क्यूट क्यूट, और हम लोग बहुत थक चुके थे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके फिर हम लोग शाम के ट्रेन से फिर गुवाहाटी आ गए। और ये स्टेशन पे हम लोग ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, सब लोग इतना थक गए थे। मैं तो ब्लॉग बनाना ही भूल गई। तो यही था, यहाँ तक ही था मेरा कोहिमा का जर्नी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और शेयर कमेंट लाइक सब कर लीजिए।